उधर कर्नाटक के मंगलुरु में सामान ले जाने वाले 3 नाव में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसको बुझाने के लिए वहां मौजूद लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और पानी के पाइप के सहारे आग बुझाने की कोशिश करने लगे। हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग भी मदद के लिए वहां आ पहुंचे, जिसके बाद हर कोई लपटों को शांत करने में जुट गया। लेकिन तब तक आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। पूरे इलाके को काले धुएं के गुबार ने घेर लिया। थोड़ी ही देर में आग पहले से भी ज्यादा भड़क गयी, जिसकी चपेट में वहाँ कई और नाव आ गयी। बताया गया कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके लिए दमकल कर्मी लगातार उस पर पानी की बौछार करते दिखे। लेकिन दमकल कर्मी जिस पाइप के सहारे इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, उस पाइप में ही लीकेज थी, जिसके बाद एक लड़के ने अपने हाथ से उस लीकेज को रोकने की कोशिश की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में इंडिगो के विमान की आपात लैंडिंग के मामले की उड्डयन मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। कल दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की फ्लाइट के इंजन में आग लगने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। कल रात विमान में बैठे यात्रियों में